हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए धमाकेदार से रेमेडी लेके आई हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, जो कि बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है आजकल हैंड निकल्स का। ठीक है, जिनकी ये जगह डार्क हो जाती है और जिनकी ये एल्बोज़ डार्क हो जाती हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ मैं। तो रेमेडी बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल किस्म की रेमेडी मैं आपके लेके आई हूँ, जो कि एकदम से असर नहीं करती, थोड़ा टाइम लग जाता है। आप कम से कम भी एक वीक तक उसको लगातार आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। जो जिनका ये प्रॉब्लम, जिनकी ये जगह डार्क हो जाती है सनलाइट की वजह से, उनके लिए ये रेमेडी है। ठीक, अगर कोई मेडिकल इशू है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ख़त्म होगा। ठीक है, अगर सनलाइट की वजह से डैमेज हुई हुई है जगह, तो फिर इस रेमेडी से आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो चलें रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो जी, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा लेमन और शुगर, ठीक है, चीनी। मेरे पास ये मुन्नू सा लेमन था तो मैंने इसके दो पीस कर लिए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जो लेमन है ना, इसमें हाई सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि नेचुरल लाइटनिंग एजेंट है। ठीक है, और शुगर आपके जो डेड सेल्स हैं ना उनको रिमूव करती है और आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है। ठीक है, ये एक्सफोलिएशन में काम आती है, तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है शुगर। आपने क्या करना है, लेमन लेना है, उसको अच्छे से शुगर में इस तरह लगा लेना। ठीक है, इस तरह, देखें, जब शुगर उसके साथ लग जाए फिर आपने अपने जो डैमेज एरिया है ना उसके ऊपर इस तरह स्क्रब करना है। ठीक है, अच्छे से उसका रस भी निकालना है, ये इस तरह। ठीक है, दस मिनट तक आपने इसको स्क्रब करना है, साथ साथ आप शुगर और लगाते जाएं। अच्छे से आपने 10 मिनट तक स्क्रब करना है। ठीक है, इससे आपकी स्किन की जो ये टैनिंग है ना वो लाइट होना शुरू हो जाएगी। आप पूरे हैंड पे भी मसाज कर सकते हैं, इस तरह 10 मिनट तक आपने लगातार इसका जनसन स्क्रब करना है। इसको आपने रेगुलर करना है, रेगुलर करने से आपके जो है ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर जब आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप वीक में इसको दो दफ़ा कर लें, और फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, वीक में एक दफ़ा करते हैं, लेकिन वीक में एक दफ़ा लाजमी करें। अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया है। ठीक है, अब मैं हाथ धो के आती हूँ, और फिर आपने क्या करना है, हाथ धोने के बाद अच्छा सा जो मॉइस्चराइजर है ना आपने अप्लाई कर लेना। ठीक है, चले मैं हाथ धो के हाथ में धो आई हूँ। ठीक है, अब मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। हम अपने फेस का तो ख्याल रखते हैं लेकिन अपने हाथों और पैरों का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, फेस से ज़्यादा हमें हाथ पाँव का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारा फेस खूबसूरत है, अगर हमारे हाथ पाँव खूबसूरत नहीं लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होगा। तो इस एम्बैरेसमेंट के से बचने के लिए आप अपने हाथों का भी ख्याल रखें, अपने पाँव का भी ख्याल रखें और अपने फेस का भी ख्याल रखें। ठीक है, अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, अपने फेस के साथ साथ अपने हाथ पाँव का भी ख्याल रखें। और मैं आपको बताना चाहूँ कि रेमेडी कोई भी है ना, कोई भी रेमेडी है वो एकदम से असर नहीं करती। ठीक है, उसको टाइम लग जाता है। आपको कम से कम भी आपको इसको डेली यूज़ करना है। आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको असर, इसका कोई फ़र्क पता चलेगा। एक ही बार में अगर आप कहेंगे तो एक ही बार में इसका कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, कोई भी रेमेडी है उसको कम से कम भी आप एक वीक तक तो यूज़ करें अगर आपको बेहतर रिज़ल्ट चाहिए। तो चले मैं चलती हूँ, लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़बरदस्त सी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी ज़बरदस्त सी, तब तक के लिए बाय बाय।